नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आ गई नई रेसिपी लेके। मैं मंदिरा हूँ, मेरे चैनल मंदिरा स्टैंडी पंचव्यंजन में आप सबको स्वागत करती हूँ। आज का रेसिपी फास्टिंग रेसिपी, सावन का महीना चल रहा है, ये सागू का पराठा है, व्रत के लिए साबूदाना का पराठा। चलो इस रेसिपी के लिए क्या क्या चाहिए मैं दिखाती हूँ। रेसिपी दिखाने के पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर मेरा रेसिपी अगर आप लोग को पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो अभी रेसिपी शुरू करते हैं। आज रेसिपी बनाऊंगी साबू का परांठा। तो साबूदाना का परांठा के लिए मेन इंग्रेडिएंट्स सागो है, ये भिगा हुआ सागो है, बॉयल पोटैटो है, आलू है, मूंगफली है, पीनट्स है, सिंधा नून है, जीरा, अदरक, हरा मिर्ची और राजगिरी सीड्स है। मैं इसको पीस के आटा बनाऊंगी, और वाइट ऑयल और बनाने के लिए बटर पेपर। राजगिरी सीड्स का आटा बन गया, इसमें मैं आटा भी थोड़ा लगाऊंगी। इसमें आप समाचाल का आटा भी दे सकते हो, बाइंडिंग के लिए मैं बना लिया। सीड्स को मैंने ग्राइंड कर लिया। अभी मैं थोड़ा इसमें मूंगफली रोस्ट करूंगी, इसलिए थोड़ा मूंगफली को, कच्चा मूंगफली को थोड़ा ऐसे फ्राई करके ले रही हूँ। रोस्ट हो गया, ये हल्का हल्का ऊपर से ब्राउन हो गया और थोड़ा फटने भी लगा है, हाफ हाफ होने लगा है, दैट मींस हो गया। इसको थोड़ा मैं ठंडा करूंगी, उसके बाद मैं मिक्सी में दर दरा पीसूंगी। अभी ये मूंगफली मिक्सी में डाल रही हूँ। अभी इसको डाल के मैं इसको थोड़ा दर दरा पीसूंगी, फाइन पीसूंगी नहीं, दर दरा पीसूंगी। दर दरा मैंने पीस लिए है। मूंगफली पीसना हो गया, मूंगफली देने से थोड़ा क्रंची ज्यादा होता है, अच्छा लगता है, टेस्ट भी लगता है, क्रंची भी होता है। मैं अभी लास्ट में जीरा भून रही हूँ, जीरा को भी थोड़ा भूनूंगी। इसका ये देने से थोड़ा इसके फ्लेवर, पराठा का फ्लेवर अच्छा होता है। दोस्तों आप लोगों को जीरा का स्मेल कैसा लगता है? मेरे अच्छा लगता है, मैं दे रही हूँ। आप लोग दूसरा अजवाइन अच्छा लगता है वो भी दिया जा सकता है, अजवाइन इनफैक्ट दिया ही जाता है, मैं नहीं दे रही हूँ। अजवाइन देने से वो खाने का डाइजेस्ट में थोड़ा सुविधा होता है, अजवाइन भी अच्छा है। अदरक मैं ग्रेट कर रही हूँ, ये मैं ग्रेट करके देने से अच्छा लगता है, थोड़ा मुँह में अदरक अदरक लगेगा तो अच्छा लगेगा, मैं ग्रेट करके दे रही हूँ। इसको बनाने के लिए बटर पेपर भी चाहिए, बटर पेपर ऐसे ऊपर रख के फिर बनाऊंगा। पराठा के लिए फाइनल इंग्रेडिएंट्स मैं फिर से वापस से बोल रही हूँ, ये साबूदाना है, आलू है, सिंधा नून है, जीरा पाउडर है, रोस्टेड होल जीरा है, अदरक ग्रेटेड अदरक है, पी है, और ये राजगिरी आटा भी इसके साथ है। चार घंटा, साढ़े चार घंटा पहले मैं इसको सोक किए थे, तो अभी देखिए इसको तोड़ने से ऐसा होगा, एकदम फाइन हो जाएगा। मैं इसमें चार पांच चम्मच जैसा मैंने डाल, ये एक चम्मच, डेढ़ चम्मच डाल दिया, चम्मच मैं भर के दे गई। इसके साथ जाएगा थोड़ा रोस्टेड, एक चम्मच जैसा रोस्टेड जीरा पाउडर, उसके साथ मैं हाफ टीस्पून मैं होल रोस्टेड जीरा भी डालूंगी। बाइंडिंग के लिए इसका साथ जाएगा राजगिरी का आटा, और इसके जो जिसके पास नहीं है वो सामा चावल का भी आटा दे सकते हैं। तो मैं अभी बोल रही हूँ,
इसके साथ मैं थोड़ा धनिया पत्ता भी डाल रही हूँ। ये धनिया पत्ता देने से भी तो अच्छा ही टेस्ट आएगा, टेस्ट अच्छा आएगा, देखने में भी अच्छा होगा, लुक्स सुंदर होगा। जो कुछ लुक्स अच्छा होता है वो तो खाने में भी अच्छा लगता है। पैक मैं अभी इसको नीट कर रही हूँ। ये नीट करने के टाइम आपको पानी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पोटैटो है, भीगा हुआ साबुन है, तो इसीलिए तो पानी का जरूरत एकदम बिल्कुल नहीं है। भी मेरा साबुदाना का स्टफ आटा एकदम पूरा रेडी है। पराठा के लिए आटा मैंने नीट कर ली। अभी ऐसा छोटा छोटा डो बनाना पड़ेगा। इससे भी छोटा बनाया जा सकता है, इससे भी बड़ा बनता है, तो ज्यादा बड़ा बनने से ये फ्लिप करने के टाइम थोड़ा टूट सकता है, थोड़ा छोटा छोटा बनाने से एकदम पूरा ठीक बनेगा। ऐसा साइज का डो बनाना पड़ेगा, ऐसे साइज का डो बनाना पड़ेगा। बटर पेपर के ऊपर मैं थोड़ा ऑयल भी तेल भी डाल रही हूँ, करके फैला रही हूँ। अभी हाथ से ऐसा करके इसको शेप डालना पड़ेगा, ये हाथ से गोल देना पड़ेगा। ये ऐसा साइड से थोड़ा किनारे से थोड़ा टेढ़ा मेरा होने से भी कुछ ऐसा नहीं है। फिर बाद में मैं दिखा रही हूँ कैसे गोल बनाऊंगी। ऐसा है शेप, ऐसा गोल बनाना पड़ेगा, हाथ से थोड़ा अपना शेप देना पड़ेगा। ऑयल डाल रही है, डाल रही है, पहले इसको साइड से थोड़ा तेल डाल टिप कर रही हूँ। मैं हरा चटनी दूंगी, तो इसीलिए मैं पहले इसके साथ मैं धनिया पत्ता, मैंने इसको धनिया पुदीना भी डाल दी। मैं एक ठो डाल रही हूँ, ये जो जितना तीखा का था वो थोड़ा ज्यादा भी दे सकता है। रही हूँ अदरक दे रही हूँ, मैं ग्रेट कर रही हूँ इसलिए कि मिक्सी ठीक रहे। मिक्सी में इतना भारी भारी चीज देने से ना उसका ब्लेड जल्दी जल्दी खराब हो जाता है। तो ये सिंधा नून, रॉक सॉल्ट, मैं नींबू का रस, थोड़ा फिर से रॉक सॉल्ट दही के ऊपर, धनिया पत्ता। रेसिपी एकदम बिल्कुल रेडी है, रेडी टू ईट। चलो हम लोग अभी खाएंगे। इसके पहले मैं बोलना चाहूंगी इतना देर तक मेरे साथ रहने के लिए आप लोगों सबको मेरे तरफ से धन्यवाद। और ये रेसिपी बहुत अच्छा होता है, बच्चे के लिए भी अच्छा होता है, हेल्दी है। ऐसे तो व्रत के लिए खाया जाता है, बिना व्रत में भी हम लोग खाते हैं। आप लोग भी खाइए, एंजॉय कीजिए और मेरा कमेंट सेक्शन में ऐसे बताइए कैसा हुआ, कैसा लगा आप रेसिपी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। आप लोग अच्छे रहे, थैंक यू।